है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोन लायबिलिटी होती क्या है। देखिए, लोन लायबिलिटी के अंदर दो वर्ड इसमें सम्मिलित है, पहला लोन, दूसरा लायबिलिटी। लोन का मतलब होता है किसी को लोन देना या किसी से लोन लेना, और लायबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, यानी कि ऐसा लोन जो हमने किसी से लिया हो या किसी को दिया हो और जो हमें बाद में चुकाना पड़ता है या लेना पड़ता है। लेकिन इसके डेफिनेशन पहले हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह का लोन है। तो देखिए, जैसा कि इसके नाम में है लायबिलिटी, यानी कि ये हमारे दायित्व है और इनको हमें चुकाना पड़ता है। तो जो लोन लायबिलिटी है वो हमारा दायित्व है, और ये लोन लायबिलिटी का मतलब हुआ ऐसे लोन जो हमने किसी से लिया है और वो बाद में हमें चुकाना होता है। आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लोन लायबिलिटी होती क्या है। अब जान लेते हैं कि लोन लायबिलिटी के अंदर कौन कौन से इसके सब ग्रुप आते हैं। तो दोस्तों, लोन लायबिलिटी जो है एक मुख्य ग्रुप है और इसके अंदर सब ग्रुप बनते हैं और उन सब ग्रुप के अंदर लेजर क्रिएट होते हैं। देखिए, जो लोन लायबिलिटी के अंदर जो मेन सब ग्रुप बनते हैं, सबसे पहले जो सब ग्रुप है वो है सिक्योर लोन, जो कि हमारा लोन लायबिलिटी के अंदर शो करता है। सिक्योर लोन यानी ऐसे लोन जो हम कोई सिक्योरिटी देकर लेते हैं। और दूसरा जो इसमें ग्रुप आता है वो आता है अनसिक्योर लोन, यानी ऐसे लोन जो हम बिना कोई सिक्योरिटी दिए लोन लेते हैं, वो हमारे अनसिक्योर लोन कहलाते हैं। अब क्योंकि ये लोन लायबिलिटी के सब ग्रुप है, अब सिक्योर लोन में हमारे जो लेजर बनते हैं वो किस तरह के लेजर बनते हैं। माना हमने ICICI बैंक से सिक्योर लोन लिया है, तो उसका जो हम लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे ICICI बैंक सिक्योर लोन अकाउंट या ICICI बैंक लोन अकाउंट। दूसरा, मान लो हमने OBC बैंक से अनसिक्योर लोन लिया है, उसका जो हम लेजर क्रिएट करेंगे वो करेंगे OBC बैंक लोन अकाउंट। यानी कि लोन का जो अकाउंट होता है वो सिमिलर ही होता है, चाहे वो सिक्योर हो चाहे वो अनसिक्योर हो। तो इस तरह के अकाउंट, चाहे हमने वो सिक्योर लोन लिया हो, चाहे हमने अनसिक्योर लिया हो, चाहे हमने ICICI बैंक से लिया हो या OBC बैंक से लिया हो या किसी भी बैंक से हमने लोन लिया हो, उस तरह के लोन हमारे लोन लायबिलिटी कहलाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लोन लायबिलिटी होता क्या है। अब जान लेते हैं कि लोन लायबिलिटी का जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे इसके नाम में ही मेंशन है लायबिलिटी, यानी कि ये हमारी लायबिलिटी होती है और ये हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होती है। इसलिए जो लोन लायबिलिटी का नेचर होगा वो भी हमारे लायबिलिटी का होगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लोन लायबिलिटी होता क्या है। अब जान लेते हैं कि टैली ERP 9 में लोन लायबिलिटी कहाँ पे शो होता है और कौन कौन से इसके सब ग्रुप होते हैं। तो चलिए चलते हैं टैली ERP 9 पे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ गए अपने टैली ERP 9 के गेटवे ऑफ टैली पे। तो जो लोन लायबिलिटी होता है वो हमारा बैलेंस शीट में शो होता है। तो बैलेंस शीट में जाने के लिए हम B प्रेस करेंगे और Alt F1 प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि कैपिटल के नीचे जो दूसरा ग्रुप है वो दिखा रहा है हमारा लोन लायबिलिटी, यानी कि हमारी कंपनी के पास 5,10,000 की लोन लायबिलिटी है, जिसमें से सिक्योर लोन हमारे 3.5 लाख रुपये के है, अनसिक्योर लोन हमारे 1,60,000 रुपये के है। इस तरह से दोस्तों आप अपने बैलेंस शीट में लोन लायबिलिटी को चेक कर सकते हो। और लोन लायबिलिटी के अंदर जो सब ग्रुप आते हैं वो हमारे सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन आते हैं। अगर मैं सिक्योर लोन को ओपन करूं, तो यहाँ पर ICICI बैंक से हमने लोन लिया है सिक्योर लोन, जिसका लेजर बना ICICI बैंक लोन अकाउंट। इसी तरह से इसके ऊपर के बैक जाएंगे और अनसिक्योर को हम चेक करते हैं, तो हमने नितिन से लोन लिया है, जो कि मालिक का जो फ्रेंड है उससे हमने अनसिक्योर लोन लिया है। आई होप दोस्तों आप अच्छे समझ गए होंगे कि लोन अकाउंट होते क्या है, कौन कौन से इसके सब ग्रुप होते हैं और बैलेंस शीट में लोन अकाउंट कहाँ पे शो होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।